आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने समांतर चतुर्भुज और उसकी विशेषताओं के बारे में जाना। आज इस वीडियो में हम कुछ विशिष्ट समांतर चतुर्भुजों का अध्ययन करेंगे। कक्षा में अध्यापक ने बच्चों को ये आकृति पहचानने के लिए कहा, क्या आप बता सकते हैं ये कौन सी आकृति है? सोचिए सोचिए। शाबाश, क्योंकि इसमें सम्मुख भुजाएं समांतर व बराबर माप की हैं तथा सम्मुख कोण भी बराबर माप के हैं, इसलिए दिखाई गई आकृति एक समांतर चतुर्भुज है। रमेश, राजू और मीना, अब तुम भी एक एक समांतर चतुर्भुज बनाओ। रमेश, राजू और मीना ये आकृतियां बनाते हैं। अब क्या आप लोग बता सकते हैं कि आपने अपनी अपनी आकृति कैसे बनाई है? रमेश, पहले तुम बताओ। टीचर, मुझे पता है कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर माप की होती हैं। इसलिए मैंने बराबर माप की इन चार भुजाओं की मदद से ये समांतर चतुर्भुज बनाया है, जिसके सम्मुख कोण भी बराबर है। बहुत अच्छे रमेश, इस समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर माप की हैं, इसलिए हम इसे एक विशिष्ट समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। क्या आप सभी को इसका नाम पता है? ये एक सम चतुर्भुज है। आओ, मैं तुम सबको सम चतुर्भुज से जुड़ी एक जरूरी बात बताता हूँ। यदि हम विशिष्ट प्रकार की पतंगाकार आकृति बनाते हैं जिसकी चारों भुजाएं समान माप की हों, तो आप देख सकते हैं कि हमें कुछ ऐसी आकृति प्राप्त होती है। अब अगर हम इस आकृति को क्रमशः इसके दोनों विकर्णों के सापेक्ष मोड़ें, तो हम पाते हैं कि मोड़ने पर बनने वाले त्रिभुज परस्पर सर्वांग सम हैं, जिससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इस आकृति के सम्मुख कोण बराबर हैं। साथ ही अगर हम इस चतुर्भुज को क्रमशः इसकी भुजाओं MN व OP तथा भुजाओं NO व MP के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाओं के सापेक्ष मोड़ें, तो आप देख सकते हैं कि भुजाएं NO व MP तथा MN व OP समांतर हैं, अर्थात इस आकृति की सम्मुख भुजाएं समांतर व समान माप की हैं। और हमने अभी देखा कि इसके सम्मुख कोण भी बराबर माप के हैं, जो इस आकृति को एक सम चतुर्भुज बनाते हैं। परंतु ये आकृति तो हमने पतंग की मदद से बनाई थी, तो अब आप इस सम चतुर्भुज के बारे में क्या सोचते हैं? टीचर, हम कह सकते हैं कि सम चतुर्भुज एक ऐसी आकृति है जिसमें समांतर चतुर्भुज और पतंग दोनों की विशेषताएं विद्यमान हैं। यदि हम इसके विकर्णों पर चर्चा करें तो पाएंगे कि इसके दोनों विकर्ण बराबर माप के नहीं हैं, परंतु ये एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। बिल्कुल सही। तो आओ अब इन दोनों आकृतियों की मदद से सम चतुर्भुज की विशेषताएं लिख लेते हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं। आओ राजू, अब तुम्हारी बनाई हुई आकृति पर चर्चा करते हैं। बताओ, तुमने ये आकृति कैसे बनाई? मैंने समांतर चतुर्भुज की सभी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए ये आकृति बनाई है, परंतु इस आकृति में मैंने सभी कोण समकोण बनाए हैं। क्या ये एक समांतर चतुर्भुज है? हाँ राजू, ये एक समांतर चतुर्भुज है, परंतु इसके सभी कोण समकोण होने के कारण ये खास हो जाता है। और इस विशिष्ट समांतर चतुर्भुज को हम आयत कहते हैं। अगर हम इस आयत में दिखने वाले त्रिभुजों PQR और SRQ को अलग अलग एक अन्य कागज पर बनाएं और गौर करें, तो आप देख सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं, जिसकी मदद से हम कह सकते हैं
कि आयत के दोनों विकर्ण समान माप के होते हैं। तो अब आप लोग आयत के बारे में क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसके सभी कोण समकोण और विकर्ण समान माप के होते हैं तथा विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। शाबाश मीना, चलो अब हम तुम्हारी बनाई हुई आकृति को देखते हैं। बताओ तुमने ये कैसे बनाई है? टीचर, मैंने एक ऐसा समांतर चतुर्भुज बनाया है जिसकी चारों भुजाएं बराबर माप की तथा सभी कोण समकोण हैं। क्या यह भी एक विशिष्ट प्रकार का समांतर चतुर्भुज है? हाँ मीना, ऐसे समांतर चतुर्भुज को हम वर्ग कहते हैं। हम वर्ग को एक ऐसा आयत भी बोल सकते हैं जिसकी सभी भुजाएं समान माप की होती हैं। चूंकि वर्ग की सम्मुख भुजाएं समांतर तथा सभी भुजाएं बराबर माप की हैं और सम्मुख कोण भी समान माप के हैं, वर्ग की ये विशेषताएं समचतुर्भुज की विशेषताओं से मेल खाती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज तथा आयत की सभी विशेषताएं विद्यमान हैं। तो बच्चों, इस आधार पर क्या आप मुझे वर्ग की विशेषताओं के बारे में बता सकते हो? सर, वर्ग में सभी भुजाएं बराबर माप की होती हैं, सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, सभी कोण समकोण होते हैं और चूंकि ये एक समचतुर्भुज भी है इसलिए इसके विकर्ण एक दूसरे के लंब समद्विभाजक होते हैं। बहुत अच्छे राजू, आज इस वीडियो में हमने समचतुर्भुज, आयत, वर्ग और इनकी विशेषताओं को समझा। अगली वीडियो में हम इन पर आधारित उदाहरण देखेंगे।